अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त गुरु और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अमेजिंग विजन टिप्स। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं अभी दोपहर का टाइम में और दोस्तों अभी एक नया कलसीरा कबूतर यहाँ पे आके बैठा इस बास के ऊपर में। दोस्तों ये कबूतर हमारे मयंक भाई का है, उनके यहाँ से उड़ा था दोस्तों अभी, तो यहाँ पे आके बैठा। तकरीबन एक साल के बाद उन्होंने कबूतर को पढ़ दिए, तो ज़्यादा कबूतर उड़ नहीं रहा, नीचे नीचे भाग रहा। तो देखते हैं दोस्तों कबूतर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो मैं पहले आपको कबूतर दिखा देता। दोस्तों देखिए ये बैठा है कलसीरा कबूतर हरी मुंडी का, शायद आप भाई को एकदम क्लियर दिख गया होगा। अभी मुझे तो ऐसा लगता नहीं कबूतर घर पे बैठेगा, इसको थोड़ा दाना पानी दिखाते हैं लॉफ्ट के ऊपर में। ये हमारा लॉफ्ट रखा है, यहाँ पे मैं पानी का कटोरा रखता और थोड़ा पानी दिखाता कबूतर को, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी कर रहा था कबूतर। बस मेरा कबूतर बंद करने का टाइम हो गया था और कबूतर बंद भी कर दिया था मैंने। देखते दोस्तों क्या होता है। और ये देखिए अभी कपड़ा बांधा था मैंने, मगर कबूतर बंद नहीं हो रहा, इसलिए कपड़ा बांधना हो नहीं रहा मेरा अभी। तो पहले हम पानी का कटोरा रखते और फिर कबूतर को पानी दिखा दें। दोस्तों देखिए आप, इसके अंदर हम पानी दिखाया कबूतर को मैंने, और ये बड़ा है कबूतर। कबूतर इतने खुले मेरे दाना पानी पड़ा है, अब देखते आता है कि नहीं आता है, दिखाता रहा उसको दाना पानी में। अगर दोस्तों कबूतर छत के ऊपर आके बैठता है तो आपको बताऊंगा मैं। दोस्तों देखिए अभी आपने, मैं कबूतर को पानी दिखा रहा था लॉफ्ट के ऊपर में रखा था, और ये मयंक भाई का कबूतर बैठा है आपको जैसे कि मैंने दिखाया। और इसी बीच मैंने एक हरा गुलदार कबूतर पकड़ा हूँ, तो उसका आपको शौक कर रहा था मैं। दोस्तों कबूतर ऊपर उड़ रहा था मेरे छत के ऊपर में, और मैं कबूतर को गर्मी जैसे पानी दिखा रहा था यहाँ से। दोस्तों कबूतर घूम ही रहा था, मैंने कबूतर को देख लिया था, कबूतर यहाँ पे आके बैठा जैसे कि आपने वीडियो में देखी। फिर कबूतर को मैं नीचे पकड़ा और हमारे मयंक भाई का फोन आया, तो मुझे लगा कि ये भी कबूतर मयंक भाई का है, मगर हमारी बात हो चुकी है मयंक भाई से, ये कबूतर उनका नहीं है। ये जो बड़ा है कलसीरा कबूतर, ये मयंक भाई का है। और जो अभी हरा गुलदार कबूतर पकड़ा मैंने, वो उनका नहीं है, तो वो भी दिखाता आपको। इधर आइए दोस्तों, देखिए कबूतर कितना ज़्यादा हाँप रहा है। और दोस्तों कबूतर को मैंने 1 बजे पकड़ा हुआ, अभी बस कबूतर बंद कर रहा था, क्योंकि मैं भी दोस्तों अभी कबूतर उड़ाने में हूँ। चलिए दोस्तों लॉक के अंदर आके यहाँ पे आके आपको पकड़ा था कबूतर का मैं। सबसे पहले दोस्तों कबूतर के बारे में दाना पानी कुछ भी नहीं है, मतलब ये कबूतर किसी के आंखों उड़ा हुआ है, काली चोच सफेद आंख, गोल मुंडी का कबूतर है। दोस्तों ऐसी कुछ इसके पैर है, लगता है किसी के आंखों उड़ा हुआ कबूतर है या किसी ने उड़ाने के लिए निकाला होगा। बहुत शानदार कलर में एकदम कबूतर, देखिए आप कर लो कबूतर का शौक आप, कौन से कबूतर को छेड़ लगा रहे, कौन सा कबूतर आके बैठ गया। एकदम माशाल्लाह का कलर का दोस्तों कबूतर एकदम ये। चलिए इसकी झुमका आपको शौक करा था मैं, और बहुत ही लंबा चौड़ा कबूतर है ये, देखिए दोस्तों 12 झुमका कबूतर है। ये इसके पंजे हैं, हल्का सा नली भरा कबूतर है, काली चोच काले नाखून। अब दोस्तों इसके पर बांधता और पर बांध को आपको छोड़ के दिखाता हूँ मैं। दोस्तों कबूतर बहुत ज़्यादा उड़ के आया है, इसको मैं लॉफ्ट के अंदर रखा, देखिए आप ये कबूतर पकड़ा मैंने हरा गुलदार, एकदम गोल मुंडी का कबूतर है, और देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन कबूतर है। और मेरे हिसाब से दोस्तों नर दिख रहा कबूतर, ले दोस्तों यहाँ पे इसको दाना डाला और पानी में रख दूंगा इसको, ये जगह पे ठंडे में। बाद में इसको ऊपर आपको शौक कराऊंगा मैं, कबूतर कैसा है कौन सा है और कैसी इसकी चांट डाले। अभी तो देखिए आप कबूतर एकदम शांत हो गया, इसको लगा देते हम लॉफ्ट को। अब दोस्तों शाम में आपको बताऊंगा कबूतर को, वैसे हमने दाना पानी रख दिया इसके लिए, मिलते हैं शाम में। दोस्तों अभी कबूतर खोला हूँ मैंने, और अभी शाम का टाइम है, शाम के 4 बज रहे हैं,
जो कबूतर हमने पकड़े थे वो कबूतर नीचे लॉफ्ट में रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया था कबूतर, तो अभी इसको ऊपर छोड़ के आपको दिखाता है कैसा है। तो दोस्तों ये कबूतर पकड़ा हुआ मैंने गुलदार, इसको छोड़ के दिखाता आपको। दोस्तों आप इस कबूतर को होश आया कि मैं मेरे घर पे नहीं हूँ, किसी और के छत पे आया हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे कबूतर को पानी दिखा रहा था, वो कबूतर इस छतरी के ऊपर से आया, आके घर के ऊपर घूमने लगा, घूमते घूमते अचानक से यहाँ पे आके बैठा जहाँ पे बबरा कबूतर बैठा है बड़े वाला, और फिर सीधे नीचे उतरा और इसको मैंने पकड़ लिया। देखिए दोस्तों किस तरीके से कर रहा है, नहीं तो काफ़ी सारे भाई कमेंट करेंगे कि गोलू भाई आपने अपना ही कबूतर हमको पकड़ के दिखाए, ये नया कबूतर है और इसलिए ऐसी हरकत कर रहा है, घर से भागने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत जल्दी पकड़ा इसको मैंने और बहुत ही शानदार कबूतर है ये, हो सकता है किसी का शर्त वाला कबूतर होगा। दोस्तों एकदम माशाल्लाह कबूतर है, तो इसको रखता हूँ मैं पेटी में। दोस्तों नए पर नई पूछ है इसकी, इसको मैं साफ सफाई करके अंदर रखता हूँ पेटी में। इस कबूतर का पानी पी के हो चुका है, देखिए आप, अब मैं दाना डालूंगा इसको। और ये कबूतर मैंने बाजार से खरीद के लेके आया था, ये धुमा कबूतर है और ये पकड़ाव कबूतर है और ये मादी मैंने खरीद के लेके आया था, सेम जोड़ा इनका धुमे का, माशाल्लाह कबूतर दोस्तों एकदम, ये बहुत दमदार कबूतर दिख रहा मुझे। आप कमेंट में बताना कि कबूतर कैसा है, ये एकदम गोल मुंडी का कबूतर है ये। दोस्तों इसका कलर ही मुझे बहुत पसंद आया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जैसे कि आपको मैंने बताया कि हम किसी और कबूतर को छेड़ लगाए थे मगर ये कबूतर पकड़ लिए हमने, और तो दोस्तों ये कबूतर पकड़ में आया। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।